नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा अभिषेक बच्चन की और उनकी सबसे पहले आने वाली फिल्म की। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि अभिषेक बच्चन रिफ्यूजी फिल्मी दुनिया में डिब्यूट किए थे और ये फिल्म थी जेपी दत्ता की और अभिषेक बच्चन के साथ इसमें करीना कपूर भी लीड एक्ट्रेस के रोल में थी और साथ ही साथ इसमें सुनील शेट्टी भी थे। दोस्तों, रिफ्यूजी फिल्म से पहले अभिषेक बच्चन किस फिल्म से डेब्यूट करने वाले थे और किस महान हस्ती के साथ, इसका मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर सुपर डुपर हिट हो गई थी। जेपी दत्ता को एक नए चेहरे की तलाश थी, साथ ही साथ उनके पास कमाल अमरोही की एक स्क्रिप्ट भी थी। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट थी बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल से संबंधित। दोस्तों, इसी स्क्रिप्ट को लेकर जेपी दत्ता एक फिल्म बनाना चाहते थे और अभिषेक बच्चन के कद काठी और उनके पर्सनालिटी को देखकर जेपी दत्ता ने मिर्जा मुगल के रोल अभिषेक बच्चन से प्ले करवाना चाहे। इसके पहले अभिषेक बच्चन को फिल्मों का उतना कोई अनुभव नहीं था। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहादुर शाह जफर भारत के सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे और उनको 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण उन्हें अरेस्ट कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, उनके पुत्र मिर्जा मुगल 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हुए और वे बहुत ही खूनी संघर्ष करते हुए पुरानी दिल्ली के एक गेट है जिसको अभी खूनी दरवाजा कहा जाता है, वहां उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी तो मैं एक लाइन में बोला, लेकिन एक कहानी बहुत ही गंभीर है। एक खूनी दरवाजा संबंधित है मिर्जा मुगल के मौत का, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना बलिदान दिया था, और ये मौत के दरवाजा खूनी दरवाजा के नाम से आज भी दिल्ली में मौजूद है। तो दोस्तों, मिर्जा मुगल को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले हैं और खूनी दरवाजा के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां मिर्जा मुगल के बारे में जानना पड़ता है। तो दोस्तों, मिर्जा मुगल के इस बलिदान पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे जेपी दत्ता। इसमें उसके पिता के रोल में आने वाले थे अभिनय सम्राट स्वर्गीय दिलीप कुमार। दोस्तों, दिलीप कुमार को अभिषेक बच्चन के पिता के रूप में यानी बहादुर शाह जफर के रोल के लिए पहले से ही अनुबंधित कर लिया गया था, पहले से ही बात कर लिया गया था, तथा अभिषेक बच्चन पूरी तरह से फाइनल थे मिर्जा मुगल के रोल के लिए। और दोस्तों, आज तक कोई भी निर्माता इस विषय पर फिल्म बनाया नहीं, जबकि यह बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है मिर्जा मुगल की कहानी। तो दोस्तों, अभिषेक बच्चन मिर्जा मुगल के रूप में अपनी फिल्म आखिरी मुगल में आने वाले थे, लेकिन संजोग से फिल्म बन नहीं सकी और इसका कारण था कास्टिंग। कास्टिंग के लिए बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री को इसमें लिया जाना था, जो कि उस समय बात बन नहीं सकी। दोस्तों, एक बार फिर आखिरी मुगल फिल्म बनने की सुगबुगाहट है, लेकिन दोस्तों, रिफ्यूजी से पहले आखिरी मुगल आती तो शायद रिफ्यूजी से ज्यादा प्रभाव अभिषेक बच्चन जमा पाते आखिरी मुगल में, जैसा कि इसका स्टोरी था। तो दोस्तों, आखिरी मुगल फिल्म तो नहीं आ सकी, लेकिन आज भी इंतजार है कि इस विषय पर फिल्म बने और इसमें मेन लीड रोल मिर्जा मुगल का अभिषेक बच्चन ही प्ले करे। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।